भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सिद्धि विनायक व्रत हिंदू धर्म में बेहद ही श्रेष्ठ और फल प्रदान करने वाला है। साल 2024 में गणेश चतुर्थी या सिद्धि विनायक चतुर्थी का व्रत अंग्रेजी कैलेंडर की दो तिथियों में आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में उदिया तिथि को सर्वश्रेष्ठ और विशेष फल प्रदान करने वाली बताई गई है। साल 2024 में सिद्धि विनायक व्रत 7 सितंबर को किया जाएगा। गणेश चतुर्थी या सिद्धि विनायक व्रत की और अधिक जानकारी के लिए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शनिवार 7 सितंबर को सिद्धि विनायक का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसा कि भगवान गणेश जी के अनेकों नाम हैं, तो जैसा कि पूरे संसार के अंदर गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो इसी बात को देखते हुए हमें कोई भी कार्य हम करते हैं, विद्या पढ़ने का कार्य है, कोई यात्रा प्रारंभ का है, सभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले तो बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। जब हम सिद्धि विनायक जी का व्रत करते हैं उससे हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और जैसा कि इसमें सभी के लिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, विद्यार्थी हैं, यदि हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है और अपना पूरा दिन हमें एक सुखमय बनाना है, हर एक कार्य में सभी को इस मानना चाहिए कि कोई भी हम पूजा करते हैं, कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके बोलिए सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी के लिए प्रणाम है, और उससे हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी संकल्प है हमारा और हम गणेश जी की पूजा करते हैं, और जब जिस दिन वो 7 सितंबर को व्रत होगा सिद्धि विनायक जी का, गणेश जी का, तो उस दिन व्रत करने से बहुत ही लाभ होता है और अनेक प्रकार के हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है। व्रत करते हैं तो प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद में जो और सामग्री जितनी भी होती है पूजा की, सभी देवताओं के, जैसे सभी देवताओं की पूजा की जाती है, इसमें क्या सबसे मेन क्या है, भगवान गणेश जी को एक लड्डू बहुत प्रिय है, मोदक कहते हैं उसे, तो मोदक का प्रसाद भी वितरित किया जाता है, भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है, उनको समर्पित करते हैं, तो लड्डू अर्थात मोदक को अवश्य ही उस प्रसाद में सम्मिलित करें और उनकी पूजा करें, उनका स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार विधि विधान से जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका व्रत करते हैं, प्रत्येक कार्य में हमें सफलता मिलती है।